हे एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चैप्टर बहुत इजी है, बट उससे पहले चैप्टर के अंदर जाने से पहले मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर में मैं आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर करवाऊँगा ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है, और जो सेल्स के बाहर कवरिंग होती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इन अ सिंपल टर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल के बाहर की कवरिंग। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिंपल ऐसी जो सर्कुलर मैंने बना दिया ऐसी नहीं दिखती है। तो सबसे पहले देखते हैं बनी किस चीज़ों की मिलकर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर के। अब ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या होता है, मैं एक बार डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करता हूँ कि ये होता कैसा है। तो ये कुछ इस तरह का है, आपको ऊपर सर्कल्स दिख रहे हैं और नीचे टेल्स दिख रही हैं। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ करता हूँ। जब मैं इसे सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मैं रेड कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर मतलब ये एरिया पोलर होता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, पोलर वो वाले पार्ट होते हैं जो पानी से प्यार करते हैं, वाटर लविंग होते हैं, मतलब जो पानी की तरफ रहना चाहते हैं। और जो नीचे टेल वाला एरिया है वो नॉन पोलर है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी से दूर भागते हैं। अब नॉन पोलर में कैसे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे आपका ऑयल, तेल, तेल पानी से दूर भागता है, तो ये सब होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब सुनना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी में, सेल्स के बाहर भी पानी होता है और सेल्स के अंदर भी पानी होता है। तो ज़रा एक बात सोचो, अब ज़रा इस सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर चल के मैं इसको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, मैंने सबसे पहले कुछ थोड़े से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं, ये पूरी सेल को सर्कुलरली कवर करेंगे, वो आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। अब सुनना, इधर देखो, सबसे पहले तो मैंने ऊपर की साइड्स को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या कॉज होगी, प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो पानी के पास है तो इसको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो वो भी पानी के पास है लेकिन वो पानी से दूर रहना चाहता है। तो इस कंडीशन में इसको स्टेबिलिटी देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ नीचे की तरफ भी मेम्ब्रेन्स को बनाऊँगा। अब इससे क्या होगा, अब देखो ऊपर भी पोलर पार्ट आ गया, नीचे भी पोलर पार्ट आ गया, और बीच में सारे लिपिड्स एक साथ आ गए हैं। तो जितने हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स थे वो एक साथ आ चुके हैं, और जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स थे वो पानी के पास आ गए हैं। तो इससे मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब ज़रा कुछ एक आध बोलेंगे कि ये साइड से पानी एंटर हो सकता है, ये साइड से एंटर नहीं होगा, ये मेम्ब्रेन पूरे सर्कुलर में होगी, मैंने आधी ही ड्रॉ करी है। अब अगर तुम्हें इतनी बातें समझ आ गई है तो मैं ज़रा एक बात और बोलूँगा, नॉन पोलर में कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, जो ऑयल जैसे होंगे, मतलब लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस होंगे, और दूसरे पोलर में कौन कौन आएंगे, जो तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जो वाटर लविंग होंगे, जो पानी में घुलते होंगे। सो अब आगे का चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अब इधर समझना, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। पहला एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता होगा, बहुत थोड़ी सी दूरी तक जब कोई मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़े, जैसे किसी एक सेल से किसी दूसरे सेल में कोई मॉलिक्यूल को भेजना है, तो जो ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा कि एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है, तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस आप समझ गए होंगे, प्लांट के किसी एक पार्ट से किसी दूसरे ही पार्ट में किसी मॉलिक्यूल को भेजना पड़ जाए तो उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। अब जैसे पेड़ है, इसकी रूट से आपने सुना होगा पत्तियों में पानी जाता है, तो ये जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, अब जरा एक बात सोचना, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है और लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें एक्चुअल में कोई पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी लोकेशन कहाँ पर चेंज कर रहा है? जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में एक सेल से दूसरे सेल पे गया तो हम उसकी लोकेशन को सेम जगह कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर रूट से वाटर मॉलिक्यूल लीफ तक चला गया तो हम मानते हैं कि वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को मैं बहुत क्लियरिफाइड वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में ऐसे समझाना चाहूँगा। देखो, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो जो आपका लिपिड वाला पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, लिपिड पोलर वाले पार्ट के मुकाबले ज़्यादा है। तो जो पोलर होगा वो माइनर होगा, और जो लिपिड होगा वो हमारा मेजर पोर्शन होगा। अब जो भी मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पास करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, मतलब एक सेल की साइड से दूसरी सेल के अंदर अगर आना चाहते हैं, या साइटोप्लाज्म से बाहर जाना चाहते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स, वो कैसे होने चाहिए? पहली बात, वो लिपिड में सॉल्यूबल होने चाहिए क्योंकि लिपिड का पोर्शन ज़्यादा है। दूसरा, वो नॉन पोलर होने चाहिए ऑब्वियसली। और तीसरा, उनका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के होंगे तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन से पार नहीं कर पाएंगे। अब सुनना, तो क्या मेम्ब्रेन से बाहर या मेम्ब्रेन के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता है।
ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए, पोलर और लार्ज मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स बने हुए होते हैं जो चैनल का काम करते हैं, जो एक पोर क्रिएट करते हैं और उस पोर के थ्रू ये पोलर और लार्ज मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं। अब क्योंकि ये प्रोटीन्स पोर्स क्रिएट कर रहे हैं, इनका नाम हम लोग पोरेंस रख देते हैं। ऐसे प्रोटीन्स ये क्योंकि मेम्ब्रेन के पूरे अंदर तक धंसे हुए रहते हैं, मेम्ब्रेन की एक साइड खुलते हैं और दूसरी साइड दोनों तरफ ओपन रहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए हैं इंटीग्रल, या फिर इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अच्छा, अब ये इंटीग्रल और इंट्रिंसिक है तो इसका मतलब एक्सट्रिंसिक भी होते होंगे जो मेम्ब्रेन के बाहर बाहर होते हैं। हाँ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई रोल नहीं होता है। सो अब इतने बेसिक्स के बाद मैं आपको बहुत आराम से डिफ्यूजन समझा पाऊंगा। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन को। सो अब स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब एक साइड पे मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा होंगे तो वहाँ से जहाँ पे मॉलिक्यूल कम है वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने लग जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल अपने आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है। अब डिफ्यूजन भी कुछ टाइप्स का होता है। डिफ्यूजन हमारा दो टाइप्स का होता है, पहला सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको बहुत इजीली क्लियर कर दूंगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे नॉन पोलर स्मॉल साइज के और लिक्विड लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब इस मेम्ब्रेन के थ्रू बड़े आराम से पास हो जाएंगे, यानी किसी प्रोटीन किसी भी फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये लोग अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, लेकिन ये उसके बाद भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इन्हें एक फैसिलिटी की ज़रूरत है, इन्हें एक चैनल की ज़रूरत है जो कि ये पोरिन होता है, और इसके थ्रू ये प्रोटीन्स और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल के अंदर बाहर आना जाना करते हैं। तो ऐसे डिफ्यूजन को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोल देते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, दोनों में ही एनर्जी खर्च नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल हो चाहे फैसिलिटेटेड हो, मूवमेंट हायर टू लोअर हो रहा है तो एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है। एक तीसरा टाइप का भी प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मान लो कोई मॉलिक्यूल बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उल्टा है, उसको अंदर से बाहर जाना चाहिए लेकिन आप चाहते हो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आए, तो ऐसे केस में हम लोग अपनी तरफ से एनर्जी खर्च करेंगे और उस मॉलिक्यूल को अंदर बुलाएंगे। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही पोरेंस और ये जो प्रोटीन्स है ऐसे प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है, बिना इन प्रोटीन्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो, मान लो ये तीन पोरेंस मैं यहाँ पर एक साथ ड्रॉ कर देता हूँ, ये तीनों के तीनों पोरेंस हैं। इन तीनों पोरेंस में मान लो एक मॉलिक्यूल है जो बाहर प्रेजेंट है और वो इस एक पोरिन के थ्रू अंदर आ जाए। दूसरी केस में एक मॉलिक्यूल जब ही अंदर आएगा जब दूसरा बाहर जाएगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है कि सेम हो सकता है बाहर से H+ या बाइकार्बोनेट अंदर आए और यहाँ से कार्बोनेट बाहर जाए, सॉरी बाइकार्बोनेट अगर अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा कोई प्रोटॉन बाहर जाना चाहेगा, जैसे H+। और तीसरे केस में हो सकता है बाहर से कोई दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर आना चाहें। ये तीनों ही केस को क्या बोलेंगे, पहले केस में उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो अकेला ट्रैवल करता है, अकेला ट्रांसपोर्ट करता है, उसे यूनिपोड बोलते हैं। दूसरे में दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, उल्टे हैं, तो इनको हम लोग एंटीपोड बोल देते हैं। और तीसरे केस में दोनों मॉलिक्यूल एक साथ साथ ट्रैवल करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंपोड बोलते हैं। अब मैं आपको NCERT की आपकी टेबल दिखा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एक सेकेंड में रिवाइज हो जाएंगी। सो ये है आपकी NCERT का वो टेबल। अब ज़रा इस टेबल को आराम से पढ़ो। सबसे पहले इसने बोला हुआ है ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनमें आपको मेम्ब्रेन के अंदर के प्रोटीन्स की ज़रूरत है। क्या सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन चाहिए था? नहीं, फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों के दोनों पोरेंस या फिर प्रोटीन्स के थ्रू होते थे। हाईली सेलेक्टिव का क्या मतलब है? अच्छा, एक बात बताओ, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल या पोलर स्मॉल साइज़ के या नॉन पोलर होंगे वो सबके सब तो नॉर्मली ही ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं ना, वहाँ पर ये थोड़ी चेक इन हो रही है कि ये मॉलिक्यूल को एंट्री है या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव कौन होगा? प्रोटीन्स बहुत सेलेक्ट करके ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर प्रोटीन के लिए मॉलिक्यूल सेंसिटिव होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन्स जब भी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वो हाईली सेलेक्टिव होगा, ध्यान रखना। अब ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स क्या होता है, जरा इसको है ना बहुत शॉर्ट वे में समझना। एक बात सोचो, जो भी मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा रहे हैं बड़े आराम से, क्या वो कभी भी उनको जगह की कमी होने वाली है? वो मॉलिक्यूल जितना चाहें उतना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के पोर्स की एक लिमिट होगी ना, मॉलिक्यूल से एक टाइम आएगा जब काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फिलअप हो जाएंगे और वो और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जब प्रोटीन मैक्सिमम फिलिंग हो जाएगी उसकी, तब उसके बाद वो और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। तो ये आ कहाँ कहाँ सकता है?
या तो सिंपल डिफ्यूजन, वो तो पूरी मेम्ब्रेन फ्री पड़ी है, वहाँ तो कभी भी सेचुरेशन नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेचुरेशन आता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब सेचुरेशन है इसका मतलब प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब डिफ्यूजन मैक्सिमम तभी होता है जब सेचुरेशन आ जाता है। उसके बाद अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल डाउनहिल में उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे पहाड़ वहाड़ पे अगर आप सोचने की कोशिश करो तो वहाँ आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नीचे उतरोगे तो वहाँ पर आपको एनर्जी कोई खर्च नहीं करनी पड़ती है। तो जो आपका सिंपल और फैसिलिटेटेड होता है वो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर होता है, तो वहाँ आप आराम से आ सकते हो, वो डाउनहिल होते हैं, लेकिन एक्टिव आप हाई लोअर टू हायर जाते हो, इसको हम लोग अपहिल ट्रांसपोर्ट में काउंट करते हैं। तो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो आपका अपहिल में काउंट होगा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना आपको फैसिलिटेटेड में है ना सिंपल डिफ्यूजन में, सिर्फ आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, दैट इज इनहिबिटर इफेक्टेड। इनहिबिटर क्या होते हैं? जो किसी भी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को रोकते हैं। तो अगर कोई भी इनहिबिटर आएगा तो सिंपल डिफ्यूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है और मेम्ब्रेन को ब्लॉक करने के लिए ऐसे कोई इनहिबिटर्स नहीं होते हैं। बचे फैसिलिटेटेड और एक्टिव, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं और प्रोटीन इनहिबिटर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई इनहिबिटर आएगा तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव डिफ्यूजन रुक सकते हैं, बट सिंपल डिफ्यूजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।